हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा ही कल भी एक लाइव स्ट्रीम लिए थे और फ्राइडे को बताए थे कि मार्केट क्या है, एक रेजिस्टेंस इसने फ्राइडे को दोस्तों लगाया था और वहां से एक थोड़ा सा गिरावट का चांस लग रहा था, ठीक है। और आपका क्या था, दो दिन का छुट्टी भी था और आपको पता है कि ओवरनाइट में गैप डाउन गैप अप कुछ भी होता है, ठीक है। आज मॉर्निंग में क्या हुआ, एग्जैक्टली आज क्या हुआ मॉर्निंग में कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट में रिकवरी देखने को मिला, ठीक है। और क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर रिटेलर पूरा ट्रैप हो गए, निफ्टी बैंक दोनों बहुत सारे स्टॉक में भी, क्योंकि उन्हें क्या होता है ना, वो न्यूज सुनते हैं, इधर की बातों सुनते, उन्हें लगता पता नहीं मार्केट यहीं से गिर जाएगा। और क्या किया, मार्केट खुलते ही उन्होंने शॉर्ट किया और क्या वहीं से उनको ऑपरेटर ने ट्रैप कर लिया और वो बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। आपको डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पर, दिखाते हैं आज मार्केट में क्या हुआ एग्जैक्टली। दोस्तों, यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए आज मॉर्निंग में क्या हुआ था। यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप डाउन यहाँ पे दोस्तों ओपनिंग हुई थी आपकी। दोस्तों एग्जैक्टली ये कैंडल है, ठीक है, ये 5 मिनट कैंडल है। इसने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे आपका एक लो लगाया 16,833 का, ठीक है। पूरा यहाँ पे दोस्तों गैप थ्योरी लगा था, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या 1:2 यहाँ पे दोस्तों 1:1 का आपको टारगेट देखने को मिल गया, ठीक है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि कैसे गैप थ्योरी पे काम करते हैं, ओपन हाई थ्योरी पे, तो आपको यदि चाहे तो आप उसे देख करके आप गैप थ्योरी समझ सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल एक ट्रेड दिए थे जिसमें क्लाइंट ने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे ट्रेड कम्प्लीट हो गया था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एक दोस्तों यहाँ पे इसने क्या किया, एक रिकवरी दे दिया मार्केट ने, ठीक है। 5 मिनट पे ये हैमर बनाया, उसका रिकवरी आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपका निफ्टी में दिखाते हैं आपको, ये इसने रिकवरी क्यों दिया और यहाँ पे कुछ था, ठीक है। यहाँ पे डेली में दोस्तों, यहाँ पे डेली ने सॉरी H4 के चार्ट पे एक बुलिश पैटर्न था, उसके अकॉर्डिंग भी रिट्रेसमेंट पाया था और आपका मार्केट में एक बहुत ही अच्छा हाइक मिला, क्योंकि वहां पे रिटेलर ट्रैप हो चुके थे मॉर्निंग में ही, इसलिए, ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ गया था। अब देखिए आपका क्या हुआ, गिरने का रीजन बता दिए थे, क्योंकि क्या होता फ्राइडे को यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ये बैक हुआ था, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके निफ्टी में क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या किया है, MACD क्रॉस कर गया है। और जैसा कि आपको पता है निफ्टी का लेवल आप लोगों को क्या दिए हुए, 17,500 से 17,700 कि एक बार वहां जाएगा फिर गिरेगा, ठीक है। और ये भी होता है क्या दोस्तों कि एक ही बार तो नहीं गिर जाएगा, चाहे एक ही बार तो नहीं ऊपर चला जाएगा, जबकि ओवरऑल आपको पता आपका मार्केट क्या है, बियरिश है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका मार्केट यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म है, ओवरऑल क्या है यहाँ पे बियरिश है, इसको गिरना है, बट अभी आपका मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इससे ये सपोर्ट से ऊपर आ गया है और वीकली में ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मीन्स कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यदि दोस्तों ये 17,150 मान लो मोटा मोटी, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड कराएगा तो फिर आपका यहाँ से स्लोली ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो अभी आपका जो क्लोजिंग दिया इसने 17,086 पे, ठीक है। अब कल देखिए ये क्या करता है, यहाँ पे मतलब यहाँ से दोस्तों 100 पॉइंट का ये और आपका अपसाइड देगा, उसके बाद ये क्या करता है, ठीक है। तो निफ्टी में मेजर रेजिस्टेंस अभी कल के लिए आपका ये हो गया, ठीक है। और आप क्या करेंगे, यदि इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर आपको यहाँ एक हैवी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगा, फिर दोस्तों ये ऊपर आपका जाएगा। यहाँ पे आज क्या हुआ दिखाते हैं, बैंक निफ्टी में यही हुआ। यहाँ देखिए बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे H4 के चार्ट के अकॉर्डिंग ये बुलिश पैटर्न था, जिसके अकॉर्डिंग ये कहाँ आया आपका, ये रिट्रेसमेंट वैल्यू पे आया था। जैसे रिट्रेसमेंट वैल्यू पे आया था, ये चार्ट रिकमेंड किए थे अपने ग्रुप में क्लाइंट को, और क्लाइंट ने यहाँ पे बाय करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। यहाँ पे आपको ले चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे और दिखाते हैं कैसे मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो आपको सारा अपडेट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। दोस्तों ये मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे दिखाते हैं आपको आज मॉर्निंग में क्या हुआ था। यहाँ पे बैंक निफ्टी H4 बुलिश थैरामी, ठीक है, H4 में क्या है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न था और यहाँ पे क्लाइंट को बता दिए थे कि ये आपका रिट्रेसमेंट पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखिए, यहाँ पे कितने सारे मैसेज आपका जैसे 919 में, ठीक है, यहाँ पे जा चुका है। बैंक निफ्टी ओपन है सेम, निफ्टी ओपन है सेम, दोनों का ओपन है सेम था, दोनों में गैप थ्री लगा और दोनों में क्या हुआ, टारगेट 1:1 का आ गया, ठीक है। क्लाइंट ने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। विप्रो में भी चार्ट भेजते, इसमें गिरावट देखने को मिला आपको, इसमें 2% दोस्तों गिरावट देखने को मिला था। यहाँ पे आपका देखिए की पायन और फार्मा 9:35 में दिए थे दोस्तों, यहां से ही आपका चेंज हो गया 9:35 ओपन हाई ब्रेक जैसे ही हुआ ना, जैसे देखिए यहाँ ब्रेक हुआ ना, यहां से बाइका दे दिए थे, यहीं से बाइका दे 9
30 में आपका मार्केट बता दिया था कि मार्केट डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव आज के लिए, निगेटिव मतलब आज बुलिश रहेगा मार्केट या बियर्स रहेगा, आपका यहीं पे 9:30 पर यह चीज पता चल गया था। ठीक है, यहाँ देखिए कीप आई ऑन दिस फॉर बाइंग, ये दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये टाटा कंज्यूमर का चार्ट है और ये उस टाइम में टाटा कंज्यूमर आपको और भी नीचे था। ठीक है, ये तो कल वाला प्रीवियस चार्ट है, आज आपको दिखाएंगे टाटा कंज्यूमर बहुत ही नीचे था और दोस्तों इसने बहुत अच्छा आइडिया दिया। आपको यहाँ ले चलते हैं एक बार टाटा कंज्यूमर का चार्ट दिखाते हैं और क्यों इसको बाय रिकमेंड किए थे 9:30 पे। ठीक है, उस टाइम आपका टाटा कंज्यूमर यहाँ पे था, यहाँ पे मतलब 706, इसका जो रिट्रेसमेंट वैल्यू दिए थे 700 से 710 के आसपास का दिए थे। ठीक है, इसने क्या किया 706 का लो लगाया और दोस्तों इसने जो हाई लगाया 724.50 का, आप देख सकते हैं इसमें 3% का आज हाइक देखने को मिला। तो ये दोस्तों पावर ऑफ रिट्रेसमेंट है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस पे बाय करवाता है और एक अच्छा हाइक आपको देता है। और भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे टाटा कंज्यूमर बाय के लिए रिकमेंड किए थे और दोस्तों बहुत सारे चार्ट भी यहाँ पे बताए थे क्योंकि 9:30 में पता चल गया था कि आपको करना क्या है, मार्केट में आज बाय करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कीप आई अमराजा बैटरी, मॉर्निंग लो इज इम्पोर्टेंट, इफ नॉट ब्रेक देन मार्केट में भी बुलिश। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था, यदि मॉर्निंग का लो जो 15 मिनट का लो था वो ब्रेक नहीं होता तो आपका मार्केट ऊपर जाएगा, ये था वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज है कीप आई ऑन बाइंग स्टॉक ऑन रिट्रेसमेंट और यहाँ पे बता दी क्योंकि बहुत सारे स्टॉक रिकमेंड कर चुके थे तो वो सारे स्टॉक आपका क्या था रिट्रेसमेंट पाया हुआ था तो वो सारा स्टॉक को ऊपर जाना था, इसलिए मैसेज किया था और क्लाइंट वहां पे समझ गया कि मैडम क्या कह रही है। ठीक है, और क्लाइंट ने वहां पे बाय भी अपना किया। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे और भी चार्ट है, बैंक निफ्टी का H4 का चार्ट है, MRF बहुत ही अच्छा MRF दोस्तों यहाँ देखिए ऑन सपोर्ट आल्सो, MRF सपोर्ट पे भी था, इसलिए यहाँ पे मैसेज की MRF सपोर्ट पे भी है तो आप इसमें बाई कर सकते हो। MRF में आज दो जो दोस्तों इसमें उछाल देखने को मिला है ना 600 पॉइंट का, ठीक है 600-700 पॉइंट का दोस्तों इसमें उछाल देखने को मिला है, तो इसलिए ये सब सारा चीज यहाँ पे डिटेल में बताते रहते हैं कि आपका सपोर्ट पे है, कैसे आपको किस स्टॉक को बाय करना है, क्या करना है, इच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे बताते रहते हैं। ठीक है, या टीवीएस मोटर बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे देखिए भारतीय एयरटेल में एक क्लाइंट ने यहाँ पे 450 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, यहाँ पे ऑरो फार्मा बहुत ही बढ़िया है, आपको सारा चार्ट पे ले चलेंगे। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे सारा चार्ट जाते रहता है, एक क्लाइंट का यहाँ पे प्रॉफिट है, ये देखिएगा 800 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, और दिखाते हैं बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है क्लाइंट का, ये दोस्तों एक क्लाइंट का यहाँ पे 1553 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्लाइंट का यहाँ पे पीएल भी आते रहता है और उनका मैसेज भी आता है क्या करना है नहीं करना, मेरा भी चार्ट दोस्तों जाते रहता है तो आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यानी तो आपको कोर्स ज्वाइन कीजिए या दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और यहाँ पे देखिए सारे स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को आपको दिखाने का मेन मेरा मोटिव क्या था कि यहाँ पर आप 9:30 पे ही आपको पता चल गया था कि आज मार्केट का डायरेक्शन क्या है, जिसके वजह से मेरे क्लाइंट ने शॉर्ट सेल में पोजीशन नहीं बनाया और क्या कि उन्होंने बाय करके पैसे कमाए। ठीक है, अब ये नहीं कि सारा दुनिया कह रहा है कि मार्केट सेल है तो बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, मेरा चार्ट जो कहेगा वो काम करेंगे, मेरा चार्ट बोला 9:30 पे बाय करना तो बाय किए, मेरा चार्ट कहेगा सेल करना तो सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक बाय क्लाइंट ने बाय किया और यहाँ पे पैसे कमाए। अब आपको दिखाते हैं जैसे बहुत सारे चार्ट थे, जैसे BPCL वहां पे एक मैसेज था कि आपको क्या करना है, जो भी चार्ट रिट्रेसमेंट पे है उसमें ट्रेड बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए MGL, ठीक है MGL रिट्रेसमेंट पाया था, MGL ने क्या किया लो 838 से इसने जो हाइक दिया यहाँ पे 849 का। ठीक है, टाटा कंज्यूमर, आज टाटा कंज्यूमर बहुत ही बढ़िया हाइक दिया, ये भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए रिट्रेसमेंट वैल्यू से कितना ज्यादा दिया, यहाँ पे देखिएगा ये इसका H4 चार्ट था ना, H4 पे क्या था पियर्सिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ये रिट्रेसमेंट पे आया था, उसके बाद दोस्तों इसने एक हाइक दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने हाई लगाया 724.50 का, रिकमेंड कब किए थे इसको 700 जब 8-7-8, ठीक है एकदम एग्जैक्टली दोस्तों स्टार्टिंग में ही किए थे इसको, जब आपका ये 708-707 चलता एकदम लो के पास में किए थे रिकमेंड। ठीक है, तो क्लाइंट ने इसको बाई किया। उसके बाद दोस्तों एक BPCL का भी है, इसमें भी देखिए BPCL में भी क्या आपका बहुत ही बढ़िया ये डेली के अकॉर्डिंग आया था रिट्रेसमेंट पे, इसको भी रिकमेंड किया था 365 से 367 के आसपास। ठीक है, इसने क्या किया 367.50 का लो लगाया, उसके बाद देखिए इसने हाई लगाया 375 का, अभी भी दोस्तों टारगेट बचा हुआ है, आप BPCL में कल भी ट्रेड बना सकते हैं, 390 का ये टारगेट दिखा सकता है, आपके MGL में भी कल के लिए आप ट्रेड बना सकते हैं या दोस्तों आप क्या कर सकते हैं आप टाटा कंज्यूमर में भी ट्रेड बना सकते, बिकॉज पूरा टाइम भी बचा हुआ है। ठीक है, 750 से 755 के आसपास में टाटा कंज्यूमर भी आपको दिखा सकता है। तो
आप लोग क्या कर सकते हैं, कल के बीच रडार पे रख सकते हैं। तो आप देख लिए किस तरीके से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे हेल्प मिलता है, वहां पे आपको सारा चीज बता देते हैं। तो मार्केट जो चार्ट कहता है वैसा आप काम कीजिए। दोस्तों बहुत सारा चार्ट है, आपको बताते हैं कल के डेट में क्या करना है। सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी पे भी चलते हैं और इसको भी बताते हैं कल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी तक ये H4 में टारगेट दिया नहीं है, H4 के अकॉर्डिंग बहुत हाई इसमें बचा हुआ है और यहाँ पे MACD भी क्रॉस कर गया है। मुझे बैंक निफ्टी लग रहा है कि 36,000 के आसपास एक बार ये जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है इसमें MACD क्रॉस और टारगेट आया नहीं है तो आपका 36,000 का लेवल ये दिखा सकता है। और बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक में बाई का पैटर्न बना हुआ है, तो आपको बैंक निफ्टी कल के लिए जो आपका मेजर रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे होगा 35,400 और 435,500 आप मान सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेड करवाएगा तो फिर इसमें फिर से 500-600 पॉइंट का आपको हाइक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप बैंक निफ्टी भी कल के रडार पे रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक में बताए हैं कि आपका क्या है पैटर्न बना हुआ है, जैसे कि आपको कोटक बैंक आज ही मॉर्निंग में कोटक में रिकमेंड किए थे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कोटक बैंक ने 30 मिनट पे हैमर बना दिया ना, वहीं पे क्या किए थे ये चार्ट रिकमेंड किए थे। इसमें एक अच्छा आपको अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिला, इसमें 1760 पे ही बाई जनरेट हो गया था, इसने जो हाई लगाया था वो 1778 का, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1760 से 1778 का इसने हाई लगाया और इसमें क्या है H4 पे भी एक बाई पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी कल के डे यहाँ पे दोस्तों MACD भी क्रॉस है, मीन्स की यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जन भी दिखा रहा है। तो कल के डेट में ये हो सकता है आपको फिर से कोटक बैंक 1740-1750 के आसपास में मिलेगा ना, तो आप वहां पे बाई कर सकते हैं और इसका टारगेट दोस्तों 1805 के आसपास में देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो कोटक बैंक को भी कल के लिए रडार पे रख सकते हैं। दोस्तों एक और चार्ट है बैंकिंग स्टॉक में ही बताते हैं आपको, यहाँ पे HDFC बैंक। दोस्तों बहुत सारे चार्ट पे बने हुए पर सारे को दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे चार्ट कवर करेंगे तो टाइम बहुत हो जाता है। यहाँ दिखाते हैं एक, यहाँ पे मुझे दो तीन चीज दिखा HDFC बैंक में, ठीक है। यहाँ देखिए चार्ट को बार बार कहते हैं ऑल टाइम फ्रेम पे इसको चेक करना मस्ट होता है। आप यहाँ पे देखिए मंथली पे ये क्या है, यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न एग्जीक्यूट भी हो चुका है, ठीक है। बट हो सकता है ये यहाँ से रिट्रेसमेंट पे जाएगा, इसलिए ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप इसमें बाई का पोजीशन बना सकते हैं। इसने क्या किया अर्ली पे एक बुलिश राइम पैटर्न फॉर्म किया है और यहाँ पे MACD क्रॉस है, इसके बाद इसने क्या किया हाई ब्रेक किया फिर रिट्रेसमेंट पे आया, ठीक है। अब आप खुद देख रहे हैं कि जो स्टॉक 3-4 दिन पहले आपको बाई जनरेट किया था, बाई पैटर्न फॉर्म किया था, वो क्या हुआ फिर से आज आपको रिट्रेसमेंट पे मिला। दो दिन पहले नहीं मिला था बट आज वो रिट्रेसमेंट पे आया। आप देख रहे हैं जिस किस तरीके से आपको स्टॉक रिकमेंड करता है वो रिट्रेसमेंट पे आता ही आता है। दोस्तों बार बार कहते हैं 60-70% स्टॉक आता ही आता है रिट्रेसमेंट पे, आप ट्रेड बनाओ रिट्रेसमेंट पे। और आप इंट्राडे में इंट्राडे के लिए बहुत ही मस्त है क्योंकि दोस्तों इंट्राडे स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है आपका स्विंग ट्रेड से या पोजिशनल ट्रेड से। और यहाँ पे किसी भी स्टॉक का ये गारंटी नहीं होता है टारगेट वो आज देगा या कल देगा, बिकॉज कोई टाइम होता ही नहीं है। इसलिए आपको कहते हैं ना हथियार पूरा होना इम्पोर्टेंट, मतलब हर तरह का ज्ञान होना जरूरी है आपको, ठीक है। तो आपको इंट्राडे स्ट्रेटजी भी जानना जरूरी होता है, उसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, ठीक है, साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, थ्योरी ऑफ रिट्रेसमेंट चाहिए। इसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप क्या करेंगे HDFC बैंक में बाई कर सकते हैं। ये रिट्रेसमेंट पे भी आया, ठीक है। इसका दोस्तों आपका 1430-1425 के आसपास में था, जैसे 1422 का लगा, आप देख सकते हैं आपका वैल्यू निकला 1430-1425, ठीक है। और इसने लो भी लगाया 1422 का, मीन्स आपका ये पूरा आया था दोस्तों रिट्रेसमेंट पे। और आप देख सकते हैं रिट्रेसमेंट पे आने के बाद इसने जो हाइक दिया 1454 रुपए का, आप दोस्तों खुद देखिए ना 1422 से 1454 इसने 2% का हाइक दिया रिट्रेसमेंट से। आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो अच्छा प्रॉफिट आज कमाते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप कल के लिए भी इस रडार पे रख सकते हैं। यहाँ पे MACD भी क्रॉस हो चुका है और कल इसमें एक अच्छा हाइक देखने को मिल सकता है 1485 से 1490 के आसपास, दोस्तों इसमें आपको टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और चार्ट आपको बताएंगे, आज MRF भी रिकमेंड किए थे जिसमें बहुत ही बढ़िया टारगेट देखने को मिला। और क्यों किए थे अभी आपको दिखाया ना टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे मैसेज किए थे कि MRF क्या है सपोर्ट पे है, मीन्स कि ये आपको और भी बताता है कि बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, मीन्स कि डबल कंफर्मेशन देता है। आपको बता रखे है ना कि यदि कोई भी पैटर्न किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनता तो उसका और भी ज्यादा चांस होता है टारगेट देने के। यहाँ दोस्तों MRF क्या है एक बुलिश राइम पैटर्न फॉर्म है, यहाँ क्या है एक बुलिश राइम पैटर्न फॉर्म है। जैसा कि आपको पता है बुलिश राइम में क्या होता है, एक सबसे पहले क्या होता है यह एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, मीन्स कि ये यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है, अब इस डाउन ट्रेंड को ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों पहला कैंडल आपका बियरिश होना चाहिए, ये बियरिश है। सेकेंड कैंडल आपका बुलिश होना चाहिए, बुलिश है। थर्ड कैंडल बुलिश होना चाहिए, ये भी बुलिश है। सेकेंड कैंडल क्या करेगा फर्स्ट कैंडल के बॉडी को, ये जो बॉडी है ना इसके बॉडी को ये दोस्तों क्या करेगा
50%, ठीक है, लेस देन 50% कवर करेगा वो भी है। इसमें होता है क्या, ये जो बियरिश कैंडल है ना, इसका लो इस डाउन ट्रेंड में अनब्रेक होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये भी अनब्रेकेबल है, ठीक है। इतना चीज हो गया, मीन्स कि आपको एक पैटर्न पता चल गया, यहाँ पे एक बुलिश रामी पैटर्न फॉर्म है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाना है, तो वही बात, हाई ब्रेक होगी आप वेट करोगे, ठीक है। जैसे आप इसके हाई ब्रेक पे 71,139.70 का हाई ब्रेक होने पे बाई करते हैं तो आपको सिर्फ मिलता 1:1, बट आपको बता रखे हैं कि आपको कहाँ पे करना है, जब ये रिट्रेसमेंट पे आएगा उस टाइम आप देखो ना, खुद देखो यहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया, उसके बाद क्या हुआ, आज आपको ये रिट्रेसमेंट पे मिल गया, ठीक है। इसका जो वैल्यू था ना वो था 70,971, ठीक है, 71,000 था दोस्तों। इसने क्या किया, उससे भी ज्यादा लो में बनाया 69,000 का, उसके बाद इसमें एक बहुत ही अच्छा हाइक देखने को मिला। और आज आप लोग को जो रिकमेंड किए थे ये मॉर्निंग के टाइम में, यहाँ पे इसने क्या किया था, मॉर्निंग में ही यहाँ पे इसने, यहाँ दिखाते हैं, मॉर्निंग में बहुत नीचे था, उस टाइम में बहुत नीचे था ये, लगभग आपको 71,000 के आसपास था। यहाँ पे फिर से ले चलते हैं चैनल पे और यहाँ पे एक बार MRF का चार्ट दिखाते हैं आपको, और कितना बढ़िया इसमें हाइक वहां से देखने को मिला MRF के चार्ट पे। ओरो फार्मा, भेल, दोस्तों भेल भी रिकमेंड किए थे, उसमें भी बहुत अच्छा हाइक देखने को मिला। यहाँ देखिए MRF दोस्तों डेली में भी बुलिश लाइन पैटर्न बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे। और इसने क्या किया, 70,121 आप देख सकते हैं यहाँ पे 70,121 के आसपास में आपको रिकमेंड किए थे, ठीक है। यहाँ पे डेली में भी ये पैटर्न बना रखा है, और इसने जो हाई बनाया था 70,689 का, अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हाइक देखने को मिला इसमें। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये वीकली में सपोर्ट पे था। इसका वीकली चार्ट देखिए दोस्तों, हम जो भी मेरा जो भी चार्ट पोस्टेड रहता है ना, जो भी पोस्ट करते हैं उसको बहुत सारे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, उसके बाद भेजते हैं। ये नहीं कि बस कोई भी पैटर्न बना और भेज दिए, ये सारी चीज आप भी सीख पाएंगे, वो बहुत दिनों बाद आएगा किस पैटर्न पे हमें काम करना है, कहाँ पे हमें नहीं काम करना है, ठीक है। इसी को, इसमें से आपको क्या होगा, यदि आपका टेक्निकल स्ट्रांग हुआ तो आप चूज कर पाएंगे कि किस स्टॉक का जो मूवमेंट होगा आप उसी को चूज करेंगे, ठीक है। तो ये स्लोली आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, एक वीकली सपोर्ट था 200 EMA का, ठीक है। और आपको बता रखे हैं मूविंग एवरेज वाले वीडियो में कि जो भी आपका 200 का होता है इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। और आप देखेंगे यदि इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चार्ट MRF का, तो इसमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न का इसने टारगेट भी दे रखा है, तो इसमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिला, तो आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छा हाइक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल इसमें इसका भी दोस्तों टारगेट नहीं आया है, तो ये 73,580, ठीक है, 73,580 का ये टारगेट आपको दे सकता है, तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं ओरो फार्मा के चार्ट पे और आपको दिखाते हैं कि ओरो फार्मा में बहुत ही बढ़िया टारगेट मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आज देखिए जैसे रिकमेंड किसका कितना ऊपर ये मूवमेंट दिया है, यहाँ पे ले चलते हैं ओरो फार्मा के चार्ट पे और आपको दोस्तों बोर्ड पे बताएंगे क्लियरली कैसे आपको इस पे आज ट्रेड बनाना था। यहाँ पे, यहाँ दोस्तों देखिए वीकली में क्या क्या है, ये बहुत दिन से अपने चैनल पे, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं बना हुआ है, यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न होता बट नहीं फॉर्म है, बट अपने क्लाइंट को बहुत दिनों से इसको बाय करवा रहे हैं, 700 के लेवल से बाय करवा रहे हैं, उससे पहले ही बाय करवाए क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न बाय का बना रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करवा दिए। बट यहाँ पे वीकली के अकॉर्डिंग फिर से 700 पे रिकमेंड किए हैं, बिकॉज यहाँ पे MACD क्रॉस हो चुका था और आप लोगों को बताया हुए कि जब भी MACD क्रॉस करता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बिगर हैंड भी यहाँ पे एंट्री लिए हैं अपना पोजिशन बनाने के लिए बाई में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है इसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेक, यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी है, ठीक है। यहाँ दिखाते हैं आपको इस लेवल पे 726, यहाँ पे आपको दिखाते हैं 716-17, ठीक है। ये देखिए ये क्या है आपका एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी है। अब आपको करना क्या था, जैसे इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करेगा आपको बाय करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कल के डेट में इस कैंडल का हाई 726.70 का हाई वीकली के अकॉर्डिंग जैसे ही ब्रेक करेगा आपको क्या करना है, बाय करना है। अब आप आज कैसे ट्रेड करते, आज क्यों रिकमेंड किए थे, इसलिए क्योंकि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करेंगे, ये तो क्या वीकली के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इसी को जब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो आपको यहाँ 30 मिनट के चार्ट पे ले चलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं इसने क्या किया, यहाँ पे भी एक ब्रेकअप हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बाय बन रहा था, यहाँ पे आपको 700 ये कैंडल पे, ठीक है। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे दोस्तों हाई जैसे इस कैंडल का 719 का हाई ब्रेक हुआ आपको यहाँ बाय करना था और आपको जो स्टॉप लॉस लेना था इसी कैंडल के हाई का और आपको दोस्तों टारगेट 1:1 का लेके निकल जाना था। अभी आपको ले चलते हैं यहाँ पे बोर्ड पे और बताते हैं कैसे आपको
ट्रेड बनाना था इसमें, और समझाते हैं आप आगे भी कैसे इसमें ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ऑरो फार्मा का चार्ट आपको दिखा रहे हैं, वीकली चार्ट, ऑरो फार्मा वीकली चार्ट, ठीक है। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या था, एक एमएससीडी भी क्रॉस था साथ में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे काम कर, अभी तो क्या है, कल के डेट में ये जो आपका एग्जीक्यूशन होगा ना, ये कल के डेट में होगा यहाँ पे वीकली के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कल जब 726 का ये हाई तोड़ेगा ना, 726.70 का, तब होगा आपका कल के डेट में। बट आज भी इसमें आप बाय बना सकते थे, ठीक है। तो आपको ले चलते हैं बोर्ड पे और दिखाते हैं कैसे इसमें बनाना था। जैसे दोस्तों ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, और ये इस पे कैसे काम करते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस हो गया। तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ ना ये, ठीक है, यहाँ दोस्तों जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना, आप क्या करेंगे, इसका हाई ब्रेक हुआ, यदि कोई भी बुलिश पेनिट्रेटिंग कैंडल, ये क्या होना चाहिए आपको, बुलिश पेनिट्रेटिंग कैंडल, बुलिश पेनिट्रेटिंग कैंडल, जैसे बुलिश पेनिट्रेटिंग कैंडल का हाई को भी नेक्स्ट कैंडल जैसे ब्रेक करेगा, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, बाय करना होता है। आप जो एस्टर यूज करते हैं इसी कैंडल का लो का, क्या करते हैं दोस्तों, इसी कैंडल का आप लो का स्टॉप लॉस यूज करते हैं। तो ये आपका एसएल था और यहाँ पे हाई ब्रेक पे होने पे बाय करना था, और यहाँ से आप क्या करते दोस्तों, इंट्राडे में आप सेफली टारगेट यहाँ से 1:1 का ले सकते थे। मीन्स ये जो हाइट ऑफ कैंडल है ना, ये आपका क्या होता दोस्तों, जो भी डिफरेंस हुआ इस दोनों के बीच का, वो आप इंट्राडे में लेके निकल सकते थे, ठीक है। पोजिशनरी आप क्या करेंगे, जो आपका जो बड़ा वाला कैंडल ये है ना, उसके कोने को ट्रेड बनाना है। आप जैसे इसमें क्या करते, पहले आप 30 मिनट से आप इसमें पोजीशन बना सकते थे, 30 मिनट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुआ इसमें आप करते, अवर्ली पे हुआ तो आप उसके अकॉर्डिंग करते। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे इसने क्या किया, एक बार दोस्तों अवर्ली पे चलेंगे तो अवर्ली के अकॉर्डिंग क्या, इस कैंडल का देखिए हाई ब्रेक हुआ, आपको यहाँ पे बाय करना था, ठीक है। और क्या होता दोस्तों, जैसे आपने बाय किया और आपका निकल जाता, ये देखिए इसने जो हाई लगाया 728 का, मीन्स यहाँ पे 721 पे आपको क्या करना था, बाय करना था। और आपका जो टारगेट आता ना यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए ये यहाँ पे क्या कर, 706 जो दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ ना, वो आपको टारगेट लेके निकलना था। तो अप्रोक्सीमेटली इसका टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। अब आपको वीकली के अकॉर्डिंग क्या है, आपको यहाँ पे देखिए इसमें दोस्तों ये 780, मुझे दोस्तों इसमें ना 780 का टारगेट दिख रहा है, ठीक है। आपका इंट्राडे में हो गया, ये हम आपको परफेक्ट बताएं कि कैसे आप इसमें इंट्राडे में ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, आपको बाय करना था और आपको जो टारगेट लेना था इस दोनों के बीच का, आपको पता होगा एक दोस्तों वीडियो में बता चुके हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड बनाना है। इसका जो हाइट होता है इस दोनों का, जो टारगेट स्टॉप लॉस था छोटा सा, ये आप कैसे लोगे दोस्तों, टारगेट जो लेते हैं ना इस दोनों के बीच का, मीन्स ये हो गया 300, ये हो गया 200, तो 100 पॉइंट ऊपर का, मीन्स यहाँ पे आपने बाय किया तो ऊपर आपको वेट करना है, कहाँ तक दोस्तों, यहाँ पे 400 तक वेट करना है, ठीक है। आपको कहाँ तक वेट करना है, 400 तक। बट ये भी आपको बता रखे हैं, यदि आपका क्या होता है इससे पहले, ठीक है, 400 से पहले, मान के चलिए कि यहाँ पे 400 से पहले 350 पे या 370 के आसपास में कोई भी सेलिंग पैटर्न यदि ये बना देता है, तो आपको क्या करना है, बाय सेल लेकर के अपना पोजीशन शॉर्ट सेल में बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, आज इंट्राडे में इसने क्या किया, पूरा टारगेट दे दिया है। अब आपको क्या करना है, यदि पोजिशनली आपको यहाँ पे वीकली के अकॉर्डिंग दोस्तों ट्रेड बनाना है, तो क्या करेंगे आप, इस कैंडल के का जब हाई कल ब्रेक होगा तो आप बाय करेंगे, और इसमें आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो बहुत ही लंबा दोस्तों, पहला टारगेट आपका 800 का हो, उसके बाद दोस्तों ये फिर से एक फर्दर हाई, क्योंकि 800 के पास में रेजिस्टेंस है, उसके बाद हो सकता है ये आपको 900 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऑरो फार्मा को राड पे रखिए, क्योंकि ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बनाए तो इसके टारगेट भी अच्छे आने के चांसेस हो सकते हैं। तो पहला टारगेट दोस्तों इसमें आप रखेंगे 780 से 800 का, पहला टाइम आप रखेंगे 780 से 800 का वीकली बेसिस पे, ठीक है। तो आप ऑरो फार्मा को रडार पे रखिएगा। दोस्तों एक और चार्ट है टीवीएस मोटर का, ये भी दिखा देते हैं। टीवीएस मोटर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप इसमें बाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे चार्ट है, सबको कवर करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है इसकी वजह से। यहाँ देखिए टीवीएस मोटर में क्या है, एक 200 EMA के सपोर्ट पे है और यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, तो आप इंट्राडे में इसमें ट्रेड बना सकते हैं। जबकि मंथली पे ये थोड़ा सा बेयरिश है, बट बहुत ज्यादा फॉलिंग हो चुका है, तो आपको इंट्राडे में इसमें एक बेनिफिट मिल सकता है। ये आपका रिप्लेसमेंट पे भी है, तो आप इसमें भी चाहे तो बाय में पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों एक और स्टॉक है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया को तो अच्छे से आप लोग देखिएगा, बिकॉज कोल इंडिया लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी अच्छे बाइंग पे है। यहाँ पे दोस्तों कोल इंडिया H4 में
एक क्या है बुलिश शरामी पैटर्न फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग ये आया हुआ था आपका यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे भी 143 से 144 रिट्रेसमेंट वैल्यू था और यहाँ देखो आप 144.10 का इसने लो लगाया। दोस्तों इसमें टारगेट बहुत बचा हुआ है, आप चाहे तो इसमें कल के लिए रडार पे आप रख सकते हैं। 152 से 153 रुपए का क्या है इसमें आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट है, जैसे कि आपका एमएम फाइनेंस है, बहुत सारे स्टॉक है, बट कोई बात नहीं है सर, दोस्तों जितना बताए आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। एक बात फिर से कहना चाहेंगे, आपको कोई भी ट्रेड बनाना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिए। ये सिर्फ बताते हैं आपको, ये मेरा व्यू है, ये सिर्फ आपको पढ़ाने के पर्पज से, यहाँ पे जो भी चार्ट रिकमेंड करते हैं ओनली पढ़ाने के पर्पज से, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और दोस्तों इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है तो आप क्या करेंगे, आप चाहे तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा दोस्तों ऑनलाइन कोर्स चलता है, कोई वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप चाहे तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे technicalchart.in के नाम से आपको वेबसाइट है। यहाँ पे दोस्तों कोर्स फी है 7999, वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम सपोर्ट है। लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पे दोस्तों प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलता है, और एक बार यदि आप क्लास कर लिए समझ में नहीं आए तो आप लाइफ में कभी भी दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, ठीक है। तो आप चाहे जितनी मर्जी उतनी बार पढ़ सकते हैं। यहाँ दोस्तों क्या होता है, लाइव मार्केट में आप देखे होंगे किस तरीके से आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जो ऐड करके आपको लाइव मार्केट में पढ़ाते हैं, किस तरीके से आपको डायरेक्शन बताते हैं मॉर्निंग में कि मार्केट आज बुलिश रहेगा या बेयरिश रहेगा, इच एंड एवरी पॉइंट को दोस्तों क्लियरली बताते हैं, उंगली पकड़ के बताते हैं। ये नहीं कि ऐसे वीडियो दे दिए समझ में आया तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। दोस्तों वन मंथ तक आपको अपने साथ में रखते हैं, इसलिए कि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, जैसे कोई पैटर्न बताए उस पर आप ट्रेड बनाए, आप कैसे लीड हुआ, पूछिए मुझसे मैडम क्यों ऐसा लीड हुआ। यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट मतलब ट्रेड करना सिखाते हैं, तो आप चाहे तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का दूसरा और तरीका है कि आप चाहे तो डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो ब्रोकर के लिंक दिए हुए हैं, आप अकाउंट वहां पे ओपन करवा सकते हैं। और दोस्तों यहां पे आप चाहे तो मेरा जो पब्लिक चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा चैनल है विनीता भारती के नाम से ही, यहाँ देखिए विनीता भारती टेक्निकल चैनल नाम से, इसमें भी आपको इंट्राडे में चार्ट जाते रहते हैं। इसमें दोस्तों बस कन्वर्सेशन मेरी क्लाइंट से नहीं होती है और यहाँ पे आपको चार्ट जाते रहता है, ये देखिए सारा चार्ट इंट्राडे में मिलता है आपको और आपको आफ्टर मार्केट भी मिलते रहता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को जो भी दोस्तों बताए हैं वो समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।